अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे, बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे। और जिन मेरे बहन भाइयों की औलाद नहीं है अल्लाह ताला उन्हें औलाद दे। तो इसी दुआ के साथ वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अभी जो ना हमारे यहाँ शाम हो गई है, तो मैं आई हूँ बाहर और मौसम भी अब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर हो गया है, क्योंकि जो ज़मीनें बन रही थी अब कुछ तैयार हो गई हैं, पानी वगैरह उनको लग गया है। तो माशाल्लाह से अब जो है मौसम साफ हो गया, बारिश तो नहीं है लेकिन दिन को तो गर्म हवा होती है, अब नहीं है, अब रुकी है। तो मैंने चारा थोड़ा सा बकरियों के लिए काटना था, वो भी मैंने काटा है, अभी बाकी है। और ये देखिए, ये मैं जब आई हूँ तो ये भी मेरे साथ आए हैं, क्लाइन के जो परिंदे हैं ये भी साथ आते हैं चरने के लिए घास वगैरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह से रोज़े जो है ना बहुत अच्छे जा रहे हैं। आपको बताए हमारे यहाँ जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी है और दिन को बहुत ज़्यादा तेज़ होती है गर्मी। और अम्मी जो है ना वो तो बच्ची एक आती है पढ़ने के लिए, उसे भी कुरान मजीद पढ़ाती हैं और ख़ुद भी पढ़ती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी दोपहर को जो है ना तिलावत करती हूँ, उसके बाद जो है ना घर के ये जो छोटे मोटे काम है ना ये खुद करने पड़ते हैं सुबह सुबह उठ के ना नमाज के बाद। तो घर के काम सारे कर लिए, तो बाकी जो है ना चारा वगैरह ये भी ठंडे वक्त हम बना लेते हैं जानवरों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान जो है ना बहुत अच्छा गुजर रहा है। तो आगे भी अल्लाह ताला बस सेहत दे, जितने भी हमारे जो रोज़े रहते हैं ना वो अल्लाह ताला पूरे करे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ईद के दिन तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी जो हमने पूरे रोज़े रखे हैं। तो मैं थोड़ा सा चारा काटूँगी और चलते हैं घर। तो अभी जो है ना ये हमारे यहाँ होता है तल्ला जिसे हम कहते हैं। तो इस मौसम जब चारा वगैरह ख़त्म हो जाता है तो बकरियाँ जो है ना बहुत ज़्यादा खाती हैं, उन्हें डालते हैं, क्योंकि चारा तो नहीं होता अभी जो हम ज्वार या बाजरा वगैरह उसकी भी देख कर रहे हैं, तो जब तैयार होगा वो ही खाएँगे। चलते हैं घर। और ज़ारा भी मेरे ख्याल से मेरे घर आई हुई, तो आज उससे भी मिलेंगे। जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो ज़ारा अगर देख ले तो आप ही वीडियो बना रही है तो उसे जो है ना वो कहती है कि मुझे भी ले जाओ साथ। ज़ारा तो ज़ारा जो है ना भाग के आ गई है, उसे पता है आप ही वीडियो बना रही है। बाय बाय करो ज़ारा। अच्छा नहा के आई हुई है, ठंडी हुई बिल्कुल। तो अब जो है ना ज़रा बड़ी हो गई है, चार पाई को जो है ना पकड़ के खड़ी रहती है ऐसी ज़रा है। और चले बकरे को हाँ चारा डालते हैं। हाँ ज़रा भी डाल रही है अब चलना है। हाँ अच्छा खड़ी हो जाओ जारी। आओ आओ मेरे पास आओ। खुद खुद उठ रही है। तो अबू जी गए हैं अभी, वो देखे जरा खुद खड़ी हो गई है। तो ये बिस्किट है जरा कभी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, दुआ करते हैं आप भी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ इंशाल्लाह। तो सब्जी जो है ना हम तैयार कर रहे हैं। अच्छा मैं आ रही हूँ। तो ज़ारा जो है ना मुझे बुला रही है, मैं हाथ धो के आ रही हूँ। बाहर आ गए और हमारा जो है ना नल का कितने दिनों से ख़राब था, तो आज जो है ना आए हुए हैं बनाने के लिए। तो ये देखिए मीटर अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा लग चुका है, मीटर के जो पैसे जो है ना मैंने भरे थे वो तो ये तो काम हो गया। बाकी रहता है इनका तारों का खर्चा, जो तार इसकी लगती है ना घर तक जाएगी बहुत महंगी होती है, और जो मेन स्विच लगाएंगे बाकी क्या जैसे खर्चा होता है। तो अभी फुर्सत नहीं है, इंशाल्लाह जैसे अल्लाह ताला फुर्सत देगा ना तो ये काम करेंगे। सारा को खांसी आ रही है,
अच्छा, तो नलके वाले जो है ना वो काम कर रहे हैं नलके पे। तो अभी जाना हमें पानी की तो बहुत ज़्यादा परेशानी थी, अल्हम्दुलिल्लाह नलका हमारा तैयार हो रहा है। मैं चाहती थी कि मोटर भी लग जाए क्योंकि मीटर तो आ चुका है, तो इंशाल्लाह जैसे अल्लाह ताला फुर्सत देगा तो वो पहले सबसे पहले जो है ना मोटर का इंतज़ाम करेंगे, क्योंकि यहाँ गांव है ना तो पानी जैसे कड़वा भी है तो इसकी बहुत तेज़ गर्मी है, तो इसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना। सारा ये लो बिस्किट खाओ। हमारे यहाँ आज जो है ना हम भाइयों की दावत थी, तो आखिरी जो हमारे यहाँ आखिरी अक्षरा होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा दावत करते हैं, तो यही था आशा का आया हुआ है। तो अबू अबू जी अभी जरा नलके का काम हो रहा है तो वो कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह जो है ना थोड़ी देर के बाद वो जाएंगे तो आशा को हम पहुंचा देंगे घर। ओहो अली भी आया हुआ है। तो मसाला जो है क्या कर रहे हैं, गोश्त और आलू। असल में प्लान के लिए ना गोश्त हर रोज के लिए ना बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर ने कहा है दिन को वो दूध दिए और शाम को हर रोज के इधर कुछ ना कुछ वो गोश्त खाए, ताकि उसे जो ना इसे बहुत जल्दी मैं कह रही हूँ कि ये ठीक हो रहा है, इसे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, तो इसकी जरा ये जो रूटीन है ये मैं ख़त्म ना करूँ, रोज़ ही बाकी देख लूँ। तो अली की भी दवाई लेनी है हमने, लेकिन अभी जरा भाई मसरूफ हैं बहुत ज़्यादा आपको पता है, तो फिर इंशाल्लाह जब वो आएंगे तो अली की इलाज भी वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हमने सक्रैन का शुरू किया हुआ है। तो सक्रैन को माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा फ़र्क है और बहुत अच्छी सी बात करता है, बहुत ज़्यादा अर्सा तो है लेकिन बहुत ज़्यादा इसकी समझ है। अब माशाल्लाह से दूसरा दिन है इसके नए स्कूल का जो है ना हमने पता कराया कि कहते हैं कि इंशाल्लाह जो है ना बहुत अच्छी पढ़ाई करेगा सक्रैन मेरा, इसे बहुत ज़्यादा समझ आती है। तो प्यारी वीडियो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो जो है ना बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छे से कमेंट करें और मैं दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें अपनी फैमिली के साथ अल्लाह ताला आपको खुश रखे या दे, तो इसी दुआ के साथ मुझे दें इजाज़त, कल की नई वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।